छोटी बहू, सो वी डन अ होल जॉनर ऑफ शोज, यू नो. उनको थोड़ा चौकन्ना भी कर रहे हो कि शायद जो वो कर रहे हैं कहीं गलत जा सकता है. यू नो, फेथ इज वन थिंग एंड सुपरस्टिशन इज द अदर. सो यस, वी वांट टू ट्राई समथिंग न्यू एंड डिफरेंट नाउ. ये सब्जेक्ट आपका है बेसिकली विलेज ऑफ, यू हैव टेकन बिहार. ये दिस इज आल्सो लाइक इन जो इट्स नॉट सेट इन अ विलेज, बट जो बैकग्राउंड आपका है यू कैन सी दैट इट्स ऑल विलेज एंड ऑल. ये एक्चुअली सुपरस्टिशन इन मुंबई एंड एवरीथिंग प्लेसेस, मतलब व्हाई यू शो टिपिकल विलेज काइंड ऑफ बैकग्राउंड. It's a very very educated family. अगर आप देखेंगे विश्ववीर is not पिछड़ा हुआ. They have everything in their homes. It could be as aspirational a home as anywhere else. We set it there more because we found a symbolic connection with Sita Maiya and that is why we did that. But it is not because हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ villages में ऐसा होता है. मुझे तो लगता है cities में होता ही कुछ ऐसा होता है. मैम, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. मैं भी गाँव से ही हूँ. गांव में हम जानते हैं कि इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के महिलाएं और मेरा देख लेते तो आप और भी हंस जाते. खैर, लेकिन जैसे मैंने कहा सर कि हमारा जो दूसरा ध्येय है वो है आपको एंटरटेन करना. सर, हम झूठी कहानी का सहारा नहीं ले सकते. मिथिला में कहीं भी बेटियों को मिट्टी के नीचे नहीं दबाया जाता. जी सर जी, आपने एक जगह दिखाया है कि लड़की पैदा हुई उसे मिट्टी के नीचे दबाने की जो प्रथा आपने एक दिखाई है. नहीं नहीं, वो तो गरीबी के कारण कुछ भी हो, मिथिला में ऐसी आज तक इतिहास ही नहीं रहा है. कल्पना मिथिला में बेटियां हमेशा सर पे रखी गई हैं, चाहे वो गरीब की हो. इसीलिए सर वही हम कह रहे हैं. मैं एक सेकंड सर, मेरे गांव में कभी किसी का खून नहीं हुआ, कभी किसी ने किसी को ओए करके नहीं बोला. लेकिन मैं आपको बताऊं सर, बड़ी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं क्योंकि आपने बड़े दिल को छूने वाली बात बोली है, तो आपका जवाब भी दिल को छूने वाला ही मैं आपको दूंगा. लेकिन मेरे उसी गांव में मेरे भाई का कत्ल हो गया. नहीं सर, नहीं, ये कहना कि ऐसा हुआ नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, ये धारणा गलत है सर. ये कहानी एक सर, एक अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो वहां का कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ना सर. एक कहानी के माध्यम से ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे. भूपिंदर जी, जी सर, मैं बट वो कहानी नहीं. आप देखिए शो, कहानी हमारी है कि एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए जैसे राजा जनक को सीता मिली थी, उसी तरह इस आदमी को वो लड़की जमीन के नीचे से मिलती है, उसको निकालता है और अपने घर में रखता है और उसको अच्छा जीवन देता है. लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है, दैट इज द स्टोरी काला टीका. इट इज नॉट अबाउट कि लोग जमीन में लड़कियों को गाड़ते हैं या नहीं गाड़ते हैं, उसकी कहानी है ही नहीं है. बन जाती है किसी के अंधविश्वास के वजह से, पर वो आगे चल के उसके लाइफ में बहुत रंग भरती. सो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, द इंटेंशन इज नॉट टू सेंटर इट इन बिहार. एक बार आप वो स्टोरी देखेंगे, वो कहीं भी ज्योग्राफिकली किसी भी प्रांत या किसी भी सेक्ट को बिल्कुल उंगली नहीं दिखाता है. हर इंसान, whether that person lives in the top stories in Mumbai or in a juggi in some small village, in a small hut, will relate to this story. ताकि वो यही सोचे और यही सोचने पे मजबूर हो कि अगर वो किसी चीज में अंधविश्वास कर रहा है, किसी सुपरस्टिशन पे अंधविश्वास कर रहा है और कोई चीज को खींच के लेके जा रहा है, किसी के लाइफ पे उसका कोई परिणाम हो रहा है, तो वो सोच के थोड़ा स्टेप पीछे लेके फिर आगे बढ़े लाइफ में. Did what the show is. I mean, much as it might look like we're doing something negative, the beauty was, and we had so many debates, that here is a family who's wishing for and praying for and literally doing tap for a girl child, you know. And I think Bhavna will also like to say a few words because she's helped us put this together. So see, the most important thing is कि हमारे यहाँ वही बचपन से सुनते आ रहे हैं, लड़की बोझ है, लड़की के पैदा होने से मिठाई नहीं बढ़ती, ये नहीं होता. So when we were conceiving this concept and making it, you know, like in a story format, the most important thing was कि लड़की को importance दें. हम पूरे देश की धारणा को खत्म करेंगे कि बेटा ठीक है, अच्छी बात है, पर बेटी भी उतनी ही अच्छी बात है.
सो दिस वॉज द एम्फेसिस एंड दैट्स हाउ द स्टोरी बिगैन. लेकिन जब तक हम, मैं आपका भी आंसर करूंगी, जब तक हम ब्लैक नहीं दिखाएंगे हम वाइट नहीं देख सकते. सो वो जो आपने पॉइंट आउट किया कि एक बच्ची के साथ गलत हुआ, लेकिन आप वो देखिए कि उसके बाद क्या हो रहा है. सो दैट्स जस्ट अ स्टोरी टेलिंग डिवाइस वी हैव, कि ब्लैक दिखा के वाइट दिखाते हैं, वाइट दिखा के ब्लैक दिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. वो डिसीजन हम बाद में लेंगे. सो दिस इज अ बेसिक लाइन वी थॉट ऑफ कि हम इसको इंपॉर्टेंस देंगे. So that is the crux of this story. Over the last few years, and committing to a daily was like, really, can I just do it? The character I play is JT Bhabhi, and she's the one who's actually very anti the girls. She's supposed to be representing a lot of the superstitions, you know. But what is interesting is that she's actually someone who you will see in the show is using all of the superstitions to stay in power. And that for me is very interesting, because I think today religion is really used to stay in power, you know. And I'm happy to actually play this character, because I'm going to try and stick to that whole thing. So all the superstitions she's generating that she wants to hold on to are actually, the subtext is that she wants to retain the power. She doesn't want to lose her position, you know. It's all about power and money and status. And in that sense, it becomes very interesting, because I think what's happening all around us today also is the fact that religion has been always used for maintaining a status quo and for keeping some people down and making sure you stay up, you know. So that is interesting for me. So in that sense, I mean, I'll actually play the negativity with a lot of honesty as to what her real motives are, you know. So in that sense, yes, through the character, I'm actually going to be telling people that, look, if you are going to beat the drum about religion, you're actually not talking about God or spiritualism or a higher self. You're really talking about, you know, a very kind of negative materiality. So that's what interested me about getting back. And I think I have acting in my blood. There's no way I can open a boutique or a restaurant. You know, if I'm not acting, I'm not feeling all there. So it's just beautiful to get up in the morning, put on my makeup, and of course fight with, you know, the director or with Diya and say, no, but why can't it be like this? That's all part of the whole thing. So I take, for me, acting has never been a job. It's something I think I was born to do. You know, I discovered at a time when there was no television. Actually, to tell you the truth, I have no idea. Right now, the only person I support is myself in the show. JT Bhabhi is a character who's all about how she will stay in power. So whoever suits her, she will support. And if she feels they're not fulfilling what she wants out of the family, she will not support that person. That's why... Nita ji. Yes. जी बोलिए. आप मंच पर आप लाल देत करते हैं, इधर आप काले रंग से डील कर रहे हैं, काले टीका. हाँ जी. ये रंगों की प्रतीकात्मकता को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखती हैं? देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट और नेवी ब्लू तो सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. माने हमारा देश जो है वो तो रंगों से भरपूर है. माने आप हमारे वस्त्रों में देखिए, हमारे हैंडलूम में देखिए, हमारे कल्चर में देखिए, वी आर People who celebrate color, माने रंगों के बिना, unfortunate ये हाल ही में हो गया कि हम बहुत west से बहुत affected हो गए उनके fashion sense से, कि हम आजकल काली साड़ी पहन के किसी की शादी पर भी चले जाते हैं. लेकिन कुछ साल पहले, आप तो बहुत सब छोटे लगते हैं, लेकिन अपनी मम्मियों से पूछना, कोई काली साड़ी पहन के किसी शुभ, माने किसी विवाह में तो नहीं जाते थे. Not among the a lot of people, you wore magentas and reds and parrot green and all that. So, haan, to Laldet, achha, I'm so happy you've seen Laldet. Laldet is white and this is black, but in between, I'm very colorful. My question is for Daljeet. I want to know, how superstitious are you in real life? Yeah, honestly, I think superstition ek naam hai, ek belief ka. मैंने हाल ही में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से DALJIET किया है, तो इसका यही आंसर कि आप शायद एक अपने जिंदगी में कैसे मोड़ पे पहुंचते हैं जहाँ पे तिनके का सहारा ही बहुत होता है,
जहां जब तक किसी का नुकसान ना हो, और उस बिलीफ को आप सुपरस्टिशन बोल लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट डी ए डबल एल जे आई ई टी की वजह से मिला है, तो अब वो मेरा मानना है. तो आई थिंक सब जो यहाँ बैठे हैं, सबका कुछ ना कुछ बिलीफ होगा. अब वो सुपरस्टिशन है या बिलीफ है, अब वो डिबेटेबल है. मेरा सवाल दिया जैसे, हाँ इंदर जी, आपकी जो दल है बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और इन दिनों बिहार में चुनाव चल रहे हैं, और हम कई नेताओं को तांत्रिक के पास जाते हुए, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हुए देख रहे हैं, तो आगे क्या आप ऐसा कैरेक्टर इसमें पेश करेंगे? है, यू नो, अगर एक एस्ट्रोलॉजर यू नो प्रोटैगनिस्ट है, तो ऐसे ही कैरेक्टर आते हैं जो ये सहारा लेते हैं, इनके पास ही आते हैं पत्रियां पढ़ाने. इनको काफी फ्रस्ट्रेशन होता है, बिकॉज ये सही करना चाह रहे हैं, बहुत सही करना चाह रहे हैं, ये नहीं गलत करना चाह रहे, बट कहीं कहीं मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की डेस्परेशन इतनी बढ़ जाती है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, वेदर इट्स इन पॉलिटिक्स और इन आवर लाइन और एनी लाइन, यू गेट अ लिटिल डेस्परेट, यू नो, यू वांट सक्सेस, यू कांट वेट, यू स्टॉप रिलाइंग ऑन एंड हैविंग फेथ इन योर सेल्फ, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ द शो. बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन टू प्लेस, एंड दैट इज व्हाट काली इज ऑल अबाउट. जो अपने ऊपर इतना विश्वास करती है, जिसको मंजरी ने इतना